इंसान को अब जीने के लिए भले ही सांस की जरूरत ना पड़े पर मोटिवेशन मिलना जरूरी है। बिना मोटिवेशन के तो अब इंसान सेक्स भी नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के उभरता हुआ क्रिंज अल्ट्रा प्रो मैक्स ईशान अली, जिसका वीडियो देख के तुम इतना मोटिवेट होगे कि तुम लोगों ने सच में तो चिड़ा होगी। ईशान भाई के वीडियो पे इतने मॉरल वैल्यूज होता है, इतने मॉरल वैल्यूज होता है कि तुम लोगों ने सच में सोच चिड़ा होगी। यार अब छोड़ो, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या हो रहा है सर? देखो ये लोग मुझे मार रहे हैं, हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं, कहते हैं तू नीची जात का है। सही तो कहते हैं। अब तुझे क्रिंज बुलाऊं या गधे का टट्टू, क्योंकि टाइम के साथ तू अल्ट्रा क्रिंज नहीं, तेरा ह्यूमर डैंग होता जा रहा है। और ये 2023 है, तू जाति पे कंटेंट बना रहा है। ये तो वही बात हो गई, अगर गधे के सर में दिमाग होता तो मजदूरी थोड़ी ना करता। मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, तुम नीची जात के हो, तुम्हारी कॉपी लास्ट में चेक होगी। ये गंदी बातों का कंटेंट बना रहा है, अब कोई नहीं डालेगा ईशान भाई पे एक्ट। ये अपने नाम के आगे श्री मोटिवेशन लगा दिया तो ये क्या कानून के लंबे हाथों से बच जाएगा? अगर ईशान भाई के चैनल पर ऐसा ही कंटेंट डलता रहा ना, फिर न्यूक्लियर की जरूरत नहीं, ईशान भाई का कंटेंट उससे भी ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा। फिर से यही करके लाना है। लो घंटी बज गई, लंच करो सब लोग। मैं नीची जात का हूँ इसलिए मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता है। भोसड़ी के चुप, तेरी जात को साइड में रख। तू पहले ये बता कि तू इस उम्र में स्कूल कैसे आ गया? ऐसे तुझे देख के तो तेरे करियर से ज्यादा ब्राइट जो तेरा शर्ट दिख रहा है। सिंपति सिंपति, तू सिंपति को गांड में डाल ले। वो राजू नीची जात वाला, ये कौन सा स्कूल है जहाँ ऊंची नीची जात से स्टूडेंट को पहचानते हैं? स्कूल में तो ऐसा होता है, वो राजू टॉपर था, वो राजू स्कूल में लड़कियों के साथ होता था, वो राजू लाइब्रेरी में मेकआउट करते पकड़ा गया था, और इनका तो अलग चल रहा है, वो राजू छोटी जात वाला है। भी सोचते होगे ना, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। सर आप नीची जात वाले राजू के साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं? राजू की जात का भोसड़ा साला चुप, बिल्कुल चुप। अब क्या जात के नाम पे दंगे करवाएगा? ऊंची जात वाला नीची जात वाला, भले ही राजू नीची जात वाला हो पर अब इक्वालिटी कहाँ गई? कहीं गांड मरवाने तो नहीं? तुम्हारा कंटेंट देख के वैसा ही लग रहा है। अब तुम एक काम करो, तुम खुद का गांड खुद ही मार लो, क्या पता छोटी जात का भूत ही उतर जाए। मैं चाहता हूँ वो इतना कामयाब हो कि ये नीची जात का कलंक उस पे से मिट जाए। सर आपके वजह से ही मैं आज कामयाब हुआ हूँ। तुम आओ, तुम आके मेरा गांड मार लो, नहीं मार लो आके मार लो। नहीं क्या चाहते हो साला, कि अब मैं नंगा नाचूं? साला कामयाब होके भी रंडी रोना रो रहा है, लगता है कामयाब गलत एड्रेस पे चला गया। अरे दोस्तों आज इस स्कूल में मेरा पहला दिन है। तू चला जा भोसड़ी के, नहीं चाहिए। एक बच्चा अपनी खेती काट के क्लीन शेप करके चप्पल चोर जैसे बालों लेके स्कूल आया है, साला चप्पल चोर है। तो नीदर मत बैठ, क्यों? पीछे जाके बैठ जा। एम गेम एम है, इटिटिटी गेम है, नाम बद नाम है, पर अपन का काम है दादागिरी। यहाँ कौन बैठता है? राजू भैया। माँ कसम, तुम तो एक्टिंग के बादशाह हो, साला पिछले वीडियो में रोता दिख रहा था और यहाँ गुंडा बन रहा है, साला तू तो सताया हुआ ठीक था। अरे दोस्तों शानू, पता ही राजू दादा की जगह है, बहुत बुरा है वो, हम सबको रोज मारता है। तुम लोग उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? भैया हम सब में हिम्मत नहीं है। एम गेम एम है, इतिति गेम है, बताया था ना ये राजू भैया की सीट है। मैं पहले आया हूँ इसलिए यहाँ मैं ही बैठूंगा। तो तुम मुझे यहाँ बैठने से रोकेगा? मैं रोकूंगी। मैं भी रोकूंगा। पंखुड़ी जियान, और मैं भी रोकूंगा। मैं भी। ये सब तो एक हो गए, मुझे माफ कर दो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। नहीं मैं उतार देता हूँ, सच में उतार देता हूँ, आके मार लो तुम लोग, सच में मार लो। साला एक स्कूल के यूनिफॉर्म रेंट में लिया होगा और इसने 10-15 कंटेंट उसी पे बना दिया, साला इतना बजट फ्रेंडली कैसे? हम लोग एक हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल खत्म हो जाती है। अजी नंदी मेरा, छोटी जात वाले राजू को डरा दिया तो साला गुंडा बन रहा है। रियलिटी में करके देखो, गांड से पानी ना निकले ना फिर बोलना। साला तुम लोगों को टॉपिक नहीं मिलता, पहले छोटी जात पे फिर स्कूल का डॉन पे, साला तुम्हारा स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? जो तुम्हारा स्क्रिप्ट लिख रहा है उसका स्कूल इनकम्प्लीट है, सारा कॉन्टेंट स्कूल पे लिख रहा है, पहले उसको स्कूल भेजो। इनके राइटर को सच में स्कूल भेजो बे, साला इसका उम्र अश्लील कॉन्टेंट बनाने वाली है और इसको बना रहा है स्कूल का पागल बच्चा। और ये किस माँ की 36 साल का कोहिनूर है जो इसको टीका लगा के भेज रही है? इसको नजर बस खुद की लग सकती है, किसी और की नहीं। माँ तू सच में भोली है रे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खैर अब छोड़ो, नादान बच्चों को ऐसे ही छोड़ के ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, तुम लोग अगर चैनल पर नए हो, वो जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पे कौन सा क्या फेंके मारोगे मुझे नहीं पता, पर वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। खैर अब चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।